मैं मेहंदी लगाऊं आपको? हाँ जी लगा दीजिए। हाँ तो मैं आज आपको मेहंदी ना यहाँ से लगाता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, मेहंदी यहाँ से लगाओ। अरे मेहंदी वाला मैं हूँ या आप हो? आप हो। हाँ तो मेरे को लगाने दो मेहंदी, यहाँ से लगेगी। दुल्हन मैं हूँ कि आप हो? दुल्हन तो आप हो ना। हाँ तो फिर जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो, मेहंदी यहाँ से नहीं यहाँ से लगाओ, यहाँ से भैया बहुत ओल्ड फैशन हो जाता है। और हाँ, एक हाथ पे दूल्हा और एक हाथ पे दुल्हन बनाना। पर आपकी मम्मी ने बोला है मेहंदी यहाँ से लगाओ और यहाँ पे खत्म करो। नहीं नहीं, पर मैं बोल रही हूँ मेहंदी यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर खत्म करो। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों के दोनों? देखो ना मम्मी, जिद पे अड़ा हुआ है कि मेहंदी यहाँ से लगाएगा, पर मेरे को मेहंदी यहाँ से लगवानी है, यहाँ से ओल्ड फैशन हो जाता है। आपने मेरे को बोला नहीं कि मेहंदी यहाँ से लगानी है? हाँ तो सही तो कह रहा है, मेहंदी हाड़े ते लगेगी ना, तो तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, अकम कंजूस है, हम कंजूस थोड़े हैं भाई, मेहंदी हाड़े ते लगाइए। पर मम्मी मेहंदी यहाँ से लगाने में और यहाँ से लगाने में क्या फर्क आ जाएगा, हम कंजूस कैसे हो जाएंगे? देख छोरी, मैंने कह दी ना, अगर मेहंदी हाड़े ते लगेगी तो हाड़े ते लगेगी भाई, तू हाड़े ते लगाइए। मेरे को नहीं लगवानी यहाँ से, मेरी शादी है, जिंदगी में एक ही बार होती है, मेरे को मेहंदी यहाँ से लगवानी है। देख छोरी, हम पैसे दे रहे हैं तो पूरी नहीं लगवाऊंगे मेहंदी। पूरी लगा दे उसने, और तू दुल्हन है, तू हाड़े ते लगवाऊंगी मेहंदी, ठीक है? भाई मैं भैया यहाँ से लगा दो मेहंदी। बुलाऊं आपकी मम्मी को अभी? यार ओल्ड फैशन। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे यार देखना इसको, मैं कह रही हूँ मेहंदी यहाँ से नहीं यहाँ से लगा, पर जिद पे अड़ा हुआ है कि आपकी मम्मी ने बोला कि यहाँ से लगवानी है तो यहाँ से लगवानी है। अरे यार ओल्ड फैशन होता है यार, आज के जमाने की दुल्हनें कहाँ लगवाती है यहाँ से मेहंदी। तो क्या हो गया, 100-200 दे दे, फिर जहाँ से बोलेगी वहाँ से मेहंदी लगाएगा। हाँ ये सही आइडिया तेरा। अच्छा भैया 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, मेहंदी यहाँ से लगा दो। 100-200 नहीं ज़्यादा। कितने? 500। ब्लू वाला पत्ता? नीले वाला पत्ता? ओ पिंक वाला। 100 रुपये का? 2000 का होता है मैडम। 2000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे भैया, इतने में तो मैं किसी और को बुला लूंगी, आप रहने दो फिर। तो अभी मैं आपकी मम्मी को बुलाऊंगा। नहीं नहीं ले लेना 2000 ही, आप यहीं से मेहंदी लगवा दो, वहां से नहीं लगवानी है, एक ही बात तो शादी होती है। लाओ पहले। अब बाद में ले लेना भैया, अभी क्या जल्दी है आपको, पेटीएम कर दूंगी मैं। करोगे ना? हाँ। माँ कसम। आप मेहंदी लगाओगे? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम दोनों मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाई हो? मैं तो तेरे लिए पर्स लाई हूँ। पर्स? अपनी बेस्ट फ्रेंड को शादी पर पर्स कौन गिफ्ट करता है यार, मतलब तूने ना बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज तो निभाया ही नहीं है। और चेतना तू क्या लाई है? तू पक्का कुछ अच्छा लाई होगी। मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड का फर्ज बहुत अच्छे से निभाती हूँ। मैं तो तेरे लिए सेक्सी वाली नाइटी लेके आई हूँ। भैया आप मेहंदी लगाओ। वाओ यार, मैं यही तो चाहती थी तुझसे, तूने बहुत सही करा। वैसे तेरी मम्मी ने बताया तो ना फर्स्ट नाइट पे क्या होता है। भैया सब पता है, और वैसे भी मेरी लव मैरिज है पागल। भैया अच्छे से यहाँ पे दूल्हा बनाना। वैसे जूता छुपाई का क्या सोचा है तुम दोनों ने? अरे क्या करना है, तेरे को पता तो है उसके भाई कैसे से है, ना जूता चुराने देंगे ना छुपाने देंगे, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ छुपाए। अरे तो एक काम करना ना, तुम जूते छुपाना और मेरे को दे देना, मैं अपने पैरों में पहन लूंगी, और जब पैसे तुम्हें मिल जाएंगे तो मुझसे ले लेना जूते, किसी को मिलेंगे भी नहीं मेरे पैरों में पहने हुए जूते। हाँ। बेस्ट आइडिया। हाँ। अच्छा जल्दी जल्दी लगवाना, फिर हमें भी लगवानी है। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ मेहंदी लगवा रही थी, और तुम? आप मेहंदी लगाने में ध्यान दो ना। ठीक है। गिराएगी ऐसे तो हर दूल्हा हर शादी में गिरता होता ना, नहीं गिराएगी, चलो चढ़ जाओ। पापी जी देखो वहाँ पे ना गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में चलते हैं ना, घोड़ी में क्यों जाना है? अरे गाड़ी में ही जाना होता है तो घोड़ी क्यों करते, और वैसे भी ये रसम होती है रसम, दूल्हे का घोड़ी पर ही जाना पड़ता है, जल्दी से चढ़ जाओ, देवरानी वेट कर रही होगी। नहीं भाभी जी प्लीज, चढ़ वाला भाभी जी मुझसे नहीं जाया जाएगा। अरे तुम्हें चढ़ना तो पड़ेगा, चलो चलो चलो। नहीं भाभी जी मुझसे नहीं चढ़ा जाए, ये गिरा देगी मुझे। अरे नहीं गिराएगी, घोड़ी है, चलो चलो। नहीं भाभी जी तुम्हारी शादी है, तुम क्या चाहते हो तुम्हारी शादी में तुम टाइम पे ना पहुंचो? हाँ पहुंचना है ना टाइम पे। भाभी जी गाड़ी से जल्दी पहुंचेंगे। अरे तुम चलो ना, देवरानी वहाँ पे इंतजार कर रही है तुम्हारे, चलो चलो। नहीं भाभी जी। अरे भैया एक बार इसको चढ़ाना आके। भाभी जी भाई, नहीं भाभी जी।
भाभी जी डर लग रहा है, भाभी जी गिरा देंगी। अरे नहीं गिरोगे देवा जी, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो भाभी जी हिल रही है। अरे घोड़ी है, हिलेगी भी, अभी तो चलेगी भी, फिर दौड़ेगी भी। भाभी जी मुझे उतरवा दो, गिर जाऊंगा मैं। नहीं नहीं देवा जी, अब तो ऊपर ही बैठना पड़ेगा, देवरानी से मिलना है कि नहीं। देखो देखो भाभी जी, तुम चुप करो। अरे बच्चों इधर आओ, इधर आओ तीनों। चाचा के साथ घोड़ी पर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। अरे रुको रुको, तू सबसे बड़ी है तो तू नहीं जाएगी, तू सबसे छोटी है तो गिर जाएगी, तो तू जाएगी। आ जा जा जा, चलो चलो चलो। अरे भाभी जी ये भी गिरेगी, मैं भी गिरूंगा, ये भाग जाएगी। नहीं नहीं तुम लोग नहीं जाओगे। अरे चलो डांस करो वहाँ पे, चलो। अरे इसकी लगाम भी छोड़ दी, भाग जाएगी। अरे देवा जी मैं भी जा रही हूँ, नाच रहे हैं, तुम इंजॉय करो। अरे भाभी जी उतार दो, प्लीज प्लीज उतार दो मुझे, कोई गिर जाऊंगा। अभी हमारा परफॉर्मेंस है, कितनी प्रैक्टिस की हमने, इसलिए मैं परेशान हूँ कि अगला हमारा परफॉर्मेंस और मेरे को कुछ भी याद नहीं है, एक भी स्टेप याद नहीं है मुझे। अरे हमें तुझ पे पूरा भरोसा है, तू कर लेगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक भी स्टेप याद नहीं है, बोल तो नहीं हूँ मैं, पूरा डांस भूल गई हूँ यार। दो हफ्ते से हम डांस प्रैक्टिस कर रहे, तुझे अभी तक नहीं आया? अरे कर लेंगे, चल तो। नहीं यार देख समझ चेतना, मुझसे नहीं होना, तुम लोग जाओ। शादी किसकी है? हमारी दोस्त की। तो हमें तो डांस करना पड़ेगा ना। हाँ वो भी है, हम दोनों तेरे साइड में ही है, हमको देख के डांस कर लियो। देखो यार मैं तुम चारों की ना परफॉर्मेंस बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती, तो तुम चारों जाओ और करके आओ डांस। तुझे तुझ पे भरोसा नहीं है लेकिन हमें तुझ पे पूरा भरोसा है, तो चल हमारे साथ। चलो फिर, बाकी तुम जिम्मेदार हो गया अगर डांस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया तो। हाँ ठीक है चल। ना कि मेरे को डांस में मत लो, मैं परफॉर्मेंस खराब कर दूंगी, माने नहीं ना तुम लोग? अरे पागल है क्या, इतना अच्छा तो किया है। नहीं करा यार मैंने अच्छा, झूठ मत बोल। अरे कोई बात नहीं, हमने एंजॉय भी तो बहुत किया है ना। एंजॉय किया ऐसी की तैसी, मैंने परफॉर्मेंस तो खराब कर दिया ना। कोई नहीं चलो डांस करने चलते हैं। सेकंड परफॉर्मेंस, तुमने तो कोई तैयारी नहीं करवाई यार। पागल है क्या, ऐसे ही चलते हैं, डीजे पे डांस करते हैं। नागिन डांस? हां हां चलो। Thank you.
हाँ, और एक लड़का तो मेरे लहंगे पर ही गिर गया। पता नहीं कैसे नाच रहे थे जंगली। सही कह रही है, पूरा मूड ही खराब कर दिया। मेरा भी लहंगा फाड़ दिया यार। देखो हर शादी ना लड़कों का सेम ही होता है, आके नाचने लग जाएंगे और लड़कियों को नाचने नहीं देंगे। अच्छे भले हम नाच रहे थे यार, डीजे पर ही कब्जा कर लिया। कैसी बहू लेके आई हो तुम, कैसे नाच रही है ये? क्या करूं, मेरे तो भाग ही फूट गए। लड़के की पसंद है ना लव मैरिज, मना भी नहीं कर सकते, बच्चों की तो सुननी पड़ती है। मुझे ही बता देती, मैं ही बता देती इससे अच्छी। अरे अच्छी तो मैं भी ले आती, बहू को तो आंखों की शर्म होनी चाहिए। ये देखो कैसे नाच रही है, ब्लाउज देखो बैकलेस है पूरा। हाँ ना, तो पल्लू भी नीचे नहीं गिरता। हाँ सही कह रही हो जी जी। अरे वाह, थारी छोरी तो कितना बढ़िया डांस करे, दिल खुश कर दिया थारी छोरी ने तो। पर देख लियो कदे ससुराल वाले गुस्सा ना करें। अरे नहीं नहीं जी जी, इसे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं। और क्या बताऊँ, उसकी तो लव मैरिज है, पलकों पे बिठाती है इसकी सास। अच्छा फिर तो बहुत बढ़िया बात है। अरे इसको क्या बताऊँ, उसकी सास ही ऐसी है, ऐसी नकचड़ी है। वरमाला का समय हो गया है, ये लो तुम भी लो। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। हाँ कति बहुत घने बढ़िया लग गए। पहले कन्या पहनाइए। मैं नहीं पहनाने की वरमाला, पहले घुटनों पर आओ। लग रहे हैं ना दोनों। जी जी जी, क्या हो रहा है जी? आपकी बहू तो आपके बेटे को अभी से घुटने पे लेके आ गई। किसी चीज का तो डर था मुझे, मुझे लगा ही था ये उंगली पे ही नचाएगी। सही कह रही हो, अभी से देख के तो यही लग रहा है कि ये उंगलियों पे ही नचाएगी। टेंशन की बात नहीं है, एक बार घर आन दो, अपने आप सीधा कर लेंगे। विवाह संपन्न हुआ। फोटो खींचो। गाइस तो कैसी लगी वीडियो? अगर इस वीडियो को आपने इतना सा भी रिलेट करा है ना, तो वीडियो को शेयर कर दो बहुत जल्दी जल्दी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में से सबसे ज्यादा रिलेटेबल सीन कौन सा लगा, और बहुत सारा प्यार दो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ जल्दी जल्दी फॉलो करो, बहुत सारा प्यार दो वीडियो को और मुझे भी। और बाय बाय।